सोमवार को पूर्व पार्षद एकता विचार मंच के अध्यक्ष व पूर्व उपसभापति सुरेंद्र जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने पुरदुलपुर वार्ड के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने के साथ ही उनको स्टीम मशीन वितरित किया। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद मनु जायसवाल भी मौजूद रहे। पूर्व उपसभापति सुरेंद्र जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश कुमार ने वार्ड के सभी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण जैसी महामारी में भी योद्धा के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों का फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही सभी में भाप लेने वाले स्टीम मशीन वितरित किया गया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद मनु जायसवाल, पूर्व सभासद एवं पूर्व उपसभापति सुरेंद्र जायसवाल सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व उपसभापति सुरेंद्र जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। सावित्री जी बहुत एक्टिव है। अगली बार के बीच में छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार वाला जीते जो है ना। आज जो है पुरदुलपुर में वार्ड नंबर 42 में जो है पार्षद मनु जायसवाल और हम सुरेंद्र जायसवाल पूर्व उपसभापति नगर निगम के द्वारा जो है अपने स्वास्थ्य कर्मचारी सफाई कर्मचारियों को भाप लेने वाली मशीन का वितरण किया गया है। तो हमारे कर्मचारी जो है अगर स्वस्थ रहेंगे तभी जाके हमारा वार्ड स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा और हम महानगर को स्वस्थ और स्वच्छ बना सकते हैं। इस संबंध में हम लोगों ने भाप मशीन दिया है। इसके पूर्व हम लोगों ने वर्दी और दास्ताना बांटा गया था, जो हमारे कर्मचारी जो है अच्छी तरीके से काम करें और स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहते हुए हमारे वार्ड को, हमारे महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनावें। सफाई कर्मचारी न्यूबलाइजर वाला टेक्निक भी बताइए, ये कैसे यूज करना है, क्या है? आज हम सभी लोग जो है वार्ड संख्या 42 पुरदुलपुर में आए हुए हैं और यहाँ पर जो यहाँ के हमारे माननीय पार्षद जी हैं श्री मनु जायसवाल जी और उनके पिताजी ने एक बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम किया है कि जो अपने हमारे नगर निगम के स्वच्छता के सिपाही हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे सुपरवाइज़र हैं, सभी लोगों को इन्होंने भाप लेने वाली जो मशीन है उसको दिया है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि इस वक्त कोरोना के संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने में अगर ये जो भाप की मशीन है बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। और इस मौके पर हम सभी लोगों ने यहाँ पर अपने इन साथियों को बताया है कि इसका इस मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है और सुबह और शाम ये लगातार इसका जो इस्तेमाल करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इनकी इम्यूनिटी जो है वो जितनी अभी है उसके जस्ट डबल हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि इससे हमारे ये कर्मचारी सेहतमंद रहेंगे, इनकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और जब ये सेहतमंद रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि पूरा नगर निगम स्वस्थ रहेगा और नगर निगम स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा शहर स्वस्थ रहेगा। तो जो हमारा एक नगर निगम का नारा है कि जो स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर, उसको इसकी इस धारणाओं को लेकर हमारे जो पार्षद जी ने जो ये काम किया है मैं इसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ और अपने अन्य साथियों से भी, अन्य पार्षद साथियों से, अपने अन्य अधिकारियों सबसे ये अनुरोध भी करता हूँ विनम्रतापूर्वक कि इस प्रकार के कामों को वो आगे भी करते रहें, जिससे कि देखिए ये तो दिया जो चीज़ है वो तो इनके हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन एक इसका जो हिडन वो भी है आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं इनकी बहुत हौसला अफजाई भी हो रही है कि पूरी नगर निगम की टीम अपने इन साथियों के साथ खड़ी है। वो इस लड़ाई में, इस कोरोना के से जो जंग चल रही है उसमें ये अकेले नहीं है, हमारा पूरा नगर निगम मेयर साहब की अगुवाई में, हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद जी उनकी अगुवाई में, हमारी पूरी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसकी अगुवाई में हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हमको इस जो जॉइंटली हम लोग जो एक संघर्ष कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग कोरोना को परास्त करने में निश्चित रूप से सफल होंगे।